सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 हमारे 7th क्लास के एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का जो चल रहा है उसमें हमारा चैप्टर 3 है जिसका नाम है हमारा चेंजिंग अर्थ। ठीक है, तो इस चैप्टर की बात करते हैं। इससे पहले ही चैप्टर एक बार रिवाइज कर लेना। तो इसमें हम बात करेंगे हमारा अर्थ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। तो शुरू करते हैं। द लिथोस्फीयर जो कि स्थल मंडल हमारा इस ब्रोकन इंटू नंबर ऑफ प्लेट्स में टूटा हुआ है। ठीक है, नोन एज द लिथोस्फेरिक प्लेट्स। स्थल मंडलीय हमारी प्लेट्स इनको बोलते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली। हमने आपको पहले बता चुका हूँ ये प्लेट्स धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं और कभी मतलब कोई चीज़ अगर यहाँ से दूर जा रही है इसके तो देर मस्ट बी समथिंग हेयर हेयर। अगर ये यहाँ से दूर जा रही है तो इसके इधर पास आ रही हो, ये इधर इसके पास आएगी। ठीक है, जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, मतलब बहुत कम, बहुत ही मतलब दिखेगा नहीं आपको। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द मंडल में। जो मोल्टन मैग्मा है, अब देखो आपको समझाऊं। जैसे आप एक वीकर में पानी लेना, देखो ये देखो इन्होंने लगा रखा है। टेक अ स्मॉल कलर्ड पेपर वॉलेट। ठीक है, यहाँ पे एक पेपर वॉलेट ले लो, पैलेट एंड पुट इट इन अ वीकर, वीकर में डाल दो, रख दो, हाफ फिल्ड विद वाटर, पानी ज़्यादा भर दो। प्लेस द बीकर ऑन द ट्राइपॉड स्टैंड। ठीक है, इससे गर्म करो एज द वाटर वार्म्स अप। जैसे ही ये वाटर गर्म होगा तो ये क्या होगा, ये जो रखा हुआ है इन्होंने पेपर पैलेट, ये ऊपर उठेगा। ठीक, जैसे हीट की, क्योंकि हीट निकलेगा तो यहाँ से जो भी हीट वेव्स होंगी वाटर की जो वार्म्स अप होंगी वो उसको ऊपर उठाएंगे। ठीक है, और जैसे ही पानी ठंडा होगा तो ये नीचे आएंगी। एंड देन सिंक्स बैक अलॉन्ग विद द कूलर लेयर्स ऑफ द वाटर, द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन अ सिमिलर मैनर। मतलब ये एक बेसिक ऐसे बता रखा है कि ऐसे ऐसे होता है जिससे हमारी प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। आपको बता चुका हूँ ना हमारी अर्थ क्या जो कोर है वो बहुत गर्म है। ठीक है, तो द मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट इज कॉजेस चेंजेस ऑन द सर्फेस ऑन द ऑफ द अर्थ। ठीक है, पता है हमें। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स विच कॉज देम, द फोर्सेज विच एक्ट इन इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो फोर्स, जो बल पृथ्वी के अंदर काम करते हैं उनको बोलते हैं एंडोजेनिक। एंडो मतलब इनसाइड, एंड द फोर्सेज दैट वर्क ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक मतलब जो बाहर काम करते हैं उनको एक्सो, ठीक है, इसका मतलब होता है बाहर, बाह्य बल, और एंडो मतलब इन, मतलब अंदर, इन। ठीक है, ये अंदर जो काम करता है उसको बोलते हैं एंडोजेनिक। ये देखो एक टेबल दे रखा है अर्थ मूवमेंट का, इंटरनल फोर्स है। अर्थक्वेक वगैरह होते हैं, वोल्केनो इरप्शन होता है और लैंडस्लाइड्स। अर्थक्वेक भी अंदर से आता है, वोल्केनो भी अंदर से इरप्ट होता है, लैंडस्लाइड्स भी जो हमारी ऐसे के जो हमारी अर्थ की स्लेट्स होती हैं कहीं वो इधर इधर जा रही होती हैं, कहीं वो दूर जा रही होती हैं एक दूसरे से, कहीं इधर भिड़ेगी तो ये इसके नीचे चली जाएगी, या फिर जो हैवी वाली होगी वो नीचे चली जाएगी ऐसे के। तो ये सब एक सडन फोर्सेस हैं। ठीक है, एंडोजेनिक फोर्सेस में एक होता है डिस्ट्रॉफिक फोर्सेस। ठीक है, जिससे हमारा माउंटेन्स बिल्डअप हो जाते हैं, जैसे कि हमने ये बताया अभी आपको सिल्स वाला, कि अगर दो बड़ी बड़ी लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे हमारा उधर था ना एशिया और यूरोप का ऐसे जब टकराया है तो हमारा ऐसे के क्या हुआ, ये हमारे माउंटेन रेंज खड़ी हो गई। एक्सोजेनिक जो बाहरी फोर्स है उनको बोलते हैं इरोजनल एंड डिपोजिशनल। इरोजनल मतलब मतलब खींच, मतलब बहा के ले आने वाले, यानी कि इरोजन मतलब क्षय करने वाले, एंड डिपोजिशन मतलब इकट्ठा करने वाले। तो रिवर है हमारा इरोजनल है, विंड इरोजनल है, डिपोजिशनल भी है, पैरेलली बहुत डिपोजिशनल है, जैसे कि नदी वैली से पत्थरों और उनको काटती है, ठीक है, और डिपोजिट कर देती कहाँ, प्लेन्स में। सिमिलरली विंड भी है, सी वेव्स, ग्लेशियर, सबका सेम काम। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कुछ दे रखा है लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड इररेगुलरली शेप्ड प्लेट्स स्लैब्स विच कैरी कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन फ्लोर। अर्थ की जो क्रेस्ट है जिसका मैंने बताया था आपको कितना डेप्थ था, 35 किलोमीटर, कंसिस्ट करती है सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड, रिजिड मतलब कठोर, इररेगुलर शेप की प्लेट्स का, ठीक, जो कैरी करती हैं कॉन्टिनेंट्स को, महाद्वीप को और ओशन फ्लोर पे। एंडोजेनिक फोर्स जो हमारे आंतरिक बल है, सम टाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स, है ना। ये देखो ये सडन मूवमेंट्स हैं और ये स्लो मूवमेंट्स, सॉरी, बिल्डिंग माउंटेन्स जो है ना वो बहुत स्लो मूवमेंट्स है। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक, ठीक, एंड वोल्केनोस कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, अ वोल्केनो, अ वोल्केनो इज अ बेंट, ठीक है, ये बेंट है, इसमें देखो ये वोल्केनो दिख रहा है आपको,
ये एक नली, वेंट को कहते हैं नली, ठीक है, ओपनिंग जिसको कहते हैं, इन द अर्थ के क्रस्ट में थ्रू विच मोल्टन मटीरियल, जो यहाँ से पिघला हुआ मोल्टन मैग्मा वगैरह है, वो इस वेंट के थ्रू बाहर निकलता है, और जहां पे निकलता है उसको बोलते हैं क्रेटर, ठीक है। ये क्रस्ट है, ये नीचे मेंटल है, ठीक है, ये लावा वगैरह बह चुके हैं, इधर इकट्ठा हो चुका है लावा, ठीक है। ये क्रेटर याद रखना, क्रेटर है जहां पर हमारा मुख, क्रेटर को कहते हैं मुहाना, हमारे वोल्केनो ज्वालामुखी का मुहाना। गैस और ऐश निकलते हैं हमारे उससे, ठीक, बेंट के थ्रू, और ये मैग्मा चैम्बर है, बस इतना ही रटना है इसके बारे में। सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव, लिथोस्फीयर की प्लेट्स यानी कि स्थलमंडलीय प्लेट मूव करती है, वाइब्रेट करती है, ठीक है, वाइब्रेट करती है, द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक भी हमारा एक एंडोजेनिक फोर्स है। द प्लेस इन द क्रस्ट, क्रस्ट में एक जगह वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड द फोकस। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था, इसको मैं बताता हूँ। द प्लेन, द प्लेस ऑन द सर्फेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपी सेंटर, वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपी सेंटर एज वेव्स, ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजली क्लोज टू द एपी सेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर। अब आपको बताता हूँ क्या है ये आपको दिख रहा है एक अर्थक्वेक का बताया गया हाइपो सेंटर, इसको ही क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, सॉरी इसमें एडिटिंग नहीं हो पा रही है, अभी सब लोग हाइपो सेंटर इसको बोलते हैं फोकस, ठीक। ये क्वेश्चन आया था एक बार, ये अभी रिसेंट में आया था, ये सीएपीएफ में या फिर सीडीएस में आया था, ठीक है। ये अर्थक्वेक जहाँ पे फॉर्म होता है, फोकस ऑफ द अर्थक्वेक इज नोन एज सर्के, तो उसमें ऑप्शन था एपी सेंटर, हाइपो सेंटर, सेंटर एंड सारे आंसर मतलब दे रखे थे, तो उसमें हाइपो सेंटर हमारा करेक्ट आंसर होगा, फोकस या फिर हाइपो सेंटर इज द ओरिजिन। फिर वहां से जो सबसे ऊपर जो सीधे एकदम सरफेस पे यानी कि क्रस्ट पे जाके सबसे ऊपर जहाँ पे हमारी वेव्स जाएंगी, दैट विल नोन एज एपी सेंटर, ठीक। ये एपी सेंटर होगा हमारा, और आपको बताना चाहिए कि फोकस से जब इधर सबसे ऊपर जो चलती हैं रेंज, इधर और इधर डिस्ट्रक्शन ज़्यादा करती हैं, एपी सेंटर पे कम होता है, सबसे मैक्सिमम डैमेज होगा इधर और इधर, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बॉल्कनी का भी बता दूँ अगर मैंने बना रखा, I'm sorry. तो ये हमारा है एक वोल्केनो का फिगर, तो ये डाइक होते हैं और ये लैकोलिथ होता है। अच्छा, मैंने आपको लास्ट एक वीडियो में बताया होगा कि जो लावा जमा हो जाता है ना बाहर अंडर द क्रस्ट, तो उसको बोलते हैं हम उसका एक नाम दिया था हमने, जो कि गलत था, लैकोलिथ होता है वो कैसे होता है कि इन्हीं वेंट के थ्रू जो इधर उधर जमा हो जाता है उसको बोलते हैं, यहीं पर रुक जाता है वोल्केनो के अंदर, वो बाहर निकलता ही नहीं है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा वेंट है, फिर से ये स्टिंग ऑफ स्टीम गैस वगैरह है, ये क्रेटर हमारा लावा फ्लो है जो भी हो रहा है, बाकी तो आपको पता ही है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो आते हैं इधर वापस, द प्लेस ऑन द सर्फेस अबव द फोकस इज कॉल्ड द एपी सेंटर, आपको पता चुका हूँ, सर्फेस पे जहाँ पे सबसे लटक रहा था एपी सेंटर होता है, वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपी सेंटर, सो यहाँ पे आके टकराया तो वाइब्रेशन इधर उधर जाएंगे, ठीक है। एज वेव्स, ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर, एपिसेंटर के आसपास में सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट मतलब डैमेज होगा, एज एपिसेंटर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीज अवे फ्रॉम द सेंटर, यहाँ से जितना दूर जाओगे ऑब्वियसली जहाँ पे बम फटता है उससे दूर चलते चले जाओ तो वो क्या होता है उसका इफेक्ट कम होता चला जाता है। अच्छा, वेव्स के बारे में बताता हूँ आपको, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, ठीक, कौन कौन सी हैं, पी वेव्स यानी जिनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो सबसे पहले जाती हैं, एस वेव्स या फिर जिनको बोलते हैं सेकेंडरी वेव्स, ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं, और एल वेव्स और द सर्फेस वेव्स जो ट्रेवल करती हैं सर्फेस पे जाके, मान लो ये हमारी सर्फेस है, ठीक है, यहाँ पे मान लो हाइपो सेंटर यानी कि फोकस बना है, यहाँ से जाता है सबसे पहले, तो ये जो जाएंगी यहाँ पे वेव्स जो हमें बताएंगी That will be P waves, ठीक है, उसके just पीछे आएंगी secondary waves, ठीक, लेकिन जो जैसी secondary waves आते आते ही उसके पीछे आ रही होती हैं L waves, ठीक है, ऐसा तो सबसे ज्यादा destruction ही करती है L waves। primary waves हमारी चलो आपके आगे आएगा तो बताता हूँ,
ऑल्दो खुल जाओ। ऑल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, हमें पता है। हाँ यार, हमारा भूकंप उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली द मिनिमाइज इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड, मतलब हमें पता है पहले से, अगर हम तैयार होंगे तो उसका इम्पैक्ट हम पे कम हो सकता है। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रिडिक्शन मेथड्स अडॉप्टेड लोकली बाई पीपल इंक्लूड स्टडिंग एनिमल बिहेवियर वगैरह, फिश इन द पॉन्ड्स गेट एजिटेटेड हो जाती है, स्नैक्स वगैरह सरफेस हो जाते हैं, ये एक कुछ प्री फिनोमिना है, ठीक। अर्थक्विक एक केस हिस्ट्री के बारे में बता रखा है, अमेसिव अर्थक्विक मेजरिंग, ये देखो कुछ वो दे रखे हैं पहले के, कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग दे रखी। अमेसिव अर्थक्विक मेजरिंग 6.9 और रिक्टर स्केल हिट वुज टाउन ऑन 26 जनवरी 2001, तो ये सब उनके दे रखे हैं। फायर इन द सिटी हो गया और वगैरह वगैरह ये सब होते हैं। इसके अगर हम पढ़े तो एन अर्थक्विक इज अ मेजर्ड विद द मशीन कॉल्ड सिस्मोग्राफ, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है हमारा सिस्मोग्राफ है ना। हम अर्थक्विक को मेजर कैसे करते हैं, सिस्मोग्राफ से, ठीक है। सिस्मोग्राफ से भी कई उसको क्या करते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्विक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल पे, उसके मैग्नीट्यूड को मापते हैं कितने उसका था। एंड अर्थक्विक ऑफ 2 पॉइंट मतलब 2 मैग्नीट्यूड है उससे कम का होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। एन अर्थक्विक जिसको जो 5 से ज़्यादा होता है कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फेलिंग, मतलब चीज़ें गिर सकती हैं। एंड 6 से ज़्यादा है और वेरी स्ट्रांग होता है, और 6.0 और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर वेरी स्ट्रांग, 6 से ज़्यादा है तो वेरी स्ट्रांग है, ठीक है। और 7 से क्लियर मेजर अर्थक्विक होता है, 7 उससे ज़्यादा हो तो सिस्मोग्राफ ऐसा कुछ होता है। ये कुछ केस स्टडी वगैरह बता रखा है, इसलिए कुछ आपको करना है, ठीक है। अर्थक्विक की प्रेडिक्शन फॉर प्रिपेयर्डनेस आपको पता है, वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्विक, सेफ स्पॉट है किचन काउंटर के नीचे, ठीक है, टेबल या फिर डेस्क अगेंस्ट एंड इनसाइड कॉर्नर वॉल, स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेस से दूर रहो, एरिया अराउंड चिमनीज विंडोज क्योंकि क्रैक हो सकते हैं टूट सकते हैं, सेटर इंक्लूडिंग मिरर्स वगैरह से दूर रहो, पिक्चर फ्रेम्स वगैरह, बी पेपर और स्प्रेड अवेयरनेस अमंग्स योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स एंड फेस एनी डिजास्टर्स कॉन्फिडेंटली, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे मेजर लैंडफॉर्म्स। The landscape is being continuously worn away by two processes, weathering and erosion. ठीक है, इन दो से हमारा लैंड का इरोजन हो रहा है। Weathering is the breaking up of rocks on the earth surface. हमारी रॉक पत्थर हमारे जो अर्थ की सरफेस पे टूट रहे हैं उसको बोलते हैं weathering, ठीक है। Erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. Erosion है कि जो टूट रहा आइटम है उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना erosion हो जाता है, ठीक है। वो कैसे हो सकता है, पानी बहा के ले आ सकता है, हवा उड़ा के ले आ सकती है, या फिर आइस पिघल जाती है लड़क सकता है ऐसा करके कुछ भी हो सकता है। द इरोडेड मटेरियल होता है जो कैरीड या फिर ट्रांसपोर्ट होता है बाय वाटर विंड वगैरह से, ठीक है। तुम्हारा इरोडेड मटेरियल होता है वो बता चुका हूँ आपको, एंड इवेंचुअली डिपॉजिट हो जाता है, ठीक, इकट्ठा होता है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। आपको प्री जो भी आए थे हमारे उसमें बता रखा हूँ, ठीक है। इधर कुछ आपको फैक्ट दे रखा है, देर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स हैं इन द वर्ल्ड, ठीक। द हाइएस्ट वाटरफॉल हमारा एंजल फॉल ऑफ वेनेजुएला साउथ अमेरिका में, द हाइएस्ट वाटरफॉल हमारा एंजल फॉल है वेनेजुएला में, पता है साउथ अमेरिका में कंट्री है, ठीक है। एंड द अदर वाटरफॉल नाइजीरिया फॉल है जो कि कनाडा और यूएसए के बीच में है, ठीक। इन द नॉर्थ अमेरिका एंड विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका, सॉरी वर्क ऑफ अ रिवर दे रखा है। द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड करता है, ठीक है, क्षय करता है लैंडस्केप को। एंड द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली साइडेड है, या फिर रॉक से मतलब किसी हाई से हार्ड रॉक से
यहाँ पे हाइट ज्यादा होती है उस वहां पे वाटरफॉल क्रिएट हो जाता है। एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नोन एज मीएंडर्स। ये जो आपको दिख रहा ना नीचे ठीक है सर के, तो ये मेंडर मेंडर बनाती कैसे, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा में जब ये गति करती है तो अपने साथ साथ अपने जो सिल्ट वगैरह डिपॉजिट करती है वो भी साइड साइड करती जाती है। अभी जैसे जो कटा हुआ पोर्शन है इसको ऑक्सबो लोग ऑक्सबो लेक कहते हैं, ठीक है ऑक्सबो झील। ये क्या था, कभी ना कभी ये पोर्शन ऐसे रहा हो, ठीक अभी डिपॉजिट्स लेके आई मतलब जो भी हमारा इरोड करके लेके आती थी आइटम, बीच बीच में डिपॉजिट करती रही करती रही करती रही और ये यहाँ से कट ऑफ हो गया, ठीक है। तो ये रिवर से कट ऑफ हो गया और ये पोर्शन नोन एज ऑक्सबो लेक, और ये मीएंडर होता है जिस तरह से कर्व करती है, ड्यू टू कॉन्टिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलॉन्ग द साइड्स ऑफ द मीएंडर। क्योंकि ये यहाँ पे आ रही है इधर इकट्ठा कर रही है इधर इधर इकट्ठा करती जा रही है तो कभी ना कभी ये पोर्शन भी कट ऑफ हो जाएगा, ठीक। अलॉन्ग द साइड ऑफ द मीएंडर द एंड्स ऑफ द मीएंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर, पास पास आता जाता है, ठीक है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम समय के दौरान द मीएंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर, मैंने बताया ना ये कट हो जाएगा एंड फॉर्म्स अ कट ऑफ लेक, जिससे लेक बन जाएगी उसको बोलेंगे ऑक्सबो लेक, ठीक है। तो ऑक्सबो लेक बनने के लिए पहले मेंटर होना जरूरी है। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स, जब रिवर अपनी मतलब ओवरफ्लो जाती है यानी कि बाढ़ वगैरह आ जाती है तो दिस लेड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज वगैरह, बाढ़ आती है वैसे बता चुका हूँ। एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट्स लेयर ऑफ फाइन सॉइल, अच्छी जो मिट्टी होती है एलुवियल सॉइल को कहते हैं, एंड अदर मटीरियल कॉल्ड सेडिमेंट्स जो अपने साथ लेके आती है अलॉन्ग इट्स बैंक्स जो उसके नदी के किनारे इकट्ठे होते हैं। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन, क्योंकि उधर वो उनको छोड़ के आ जाती है फ्लड के टाइम पे, ठीक है। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेवीज, तो जो उठी हुई बैंक्स किनारे होते हैं ना उसको लेवीज कहते हैं, किसके नदी के किनारे जो उठ जाते हैं उनको लेवीज कहते हैं। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, जैसे जैसे नदी सी मतलब समंदर किनारे पहुंचती है द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीज हो जाता है एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेकअप इंटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, ठीक है। क्योंकि प्लेन में आके पानी को एक फ्लो वो नहीं मिलता है, ठीक है एक ढलान नहीं मिलती, इसलिए वो चारों तरफ बट बट के जाता है हमारा। इधर देखो ये देखो ये डेल्टा फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये मेन रिवर उधर से आ रही थी और इधर से क्योंकि उतने ज़्यादा ढलान है नहीं तो ये चारों तरफ बट के छट कट के ऐसे करके मिलता है ओशन से, ठीक है। कॉल डिस्ट्रीब्यूटरीज, पानी जो अलग करती हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज कहलाती हैं। द रिवर बिकम सो स्लो दैट इट बिगिंस टू डिपॉजिट इट्स लोड, इतनी स्लो हो जाती है अपना लोड को इधर डिपॉजिट कर देती है जिससे क्या बन जाता है डेल्टा, ठीक। The collection of the sediments from all mouth forms a delta. Work of a sea waves. अब हम बात करते हैं हमारी समंदर की जो वेव्स होती हैं लहरें उनसे क्या उनका क्या काम है। Erosion and deposition of the sea waves gives rise to coastal landforms. ठीक है हमारे कोस्टल में जो landforms होते हैं तो erosion और deposition से बनते हैं sea waves के। Sea waves continuously strike करती रहती हैं हमारे पत्थर वगैरह जो पहाड़ जो वहाँ पे चट्टाने रहती हैं तो उससे क्या होता है cracks develop होते हैं ओवर द टाइम दे बिकम लार्जर, ठीक है वो करते रहेंगे वहाँ पे जो क्रैक्स थे वो बड़े होते रहेंगे एंड वाइडर और चौड़े होते रहेंगे। दस हॉलो लाइक केव्स, ठीक है खोखली हमारी जो केव्स हैं गुफाएं आर फॉर्म्ड अंडर रॉक्स, ठीक है पत्थर में फॉर्म हो जाएंगी, दे आर कॉल्ड सी केव्स, ध्यान रखना सी केव्स एक इंपॉर्टेंट टर्म है। एज दीज कैविटीज बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द ऑन रूफ ऑफ द केव्स रिमेन, जब ये नीचे से ये हट जाएगा तो ये केवल छत रह जाएगी, ठीक है तो उसको बोलेंगे सी आर्क्स, ठीक। और अगर ऐसे ही चलता रहा फर्दर इरोजन क्या होता है ब्रेक करता है रूफ को तोड़ देता है तो सिर्फ दीवारें रह जाती हैं सिर्फ ये और लेफ्ट दीज वॉल लाइक फीचर्स आर कॉल्ड स्टेक्स, इन उसको क्या बोलते हैं स्टेक कहते हैं, ठीक है। स्टीप सी वाटर इज कॉल्ड द सी क्लिफ, उन जो दीवारें बची उनके सहारे का ही पानी ऊपर होता है तो उनको बोलते हैं सी क्लिफ। तो सी वेव्स डिपॉजिट करती हैं हमारा सेडिमेंट्स, ठीक है कहाँ पे यहाँ पे हम घूमने जाते हैं बीच वगैरह पे। वर्क ऑफ आइस की बात करते हैं हमारे बर्फ का क्या काम है ग्लेशियर्स, ठीक है बर्फ हमारा जनरली ग्लेशियर मिलता है रिवर्स ऑफ द आइस। ग्लेशियर्स हमारा रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोड होता है लैंडस्केप By bulldozing soil and stones to expose the solid rock below.
ग्लेशियर्स कार्व आउट डीप हॉलोस, ग्लेशियर्स गहरे गड्ढे करते हैं देयर एज द आइस मेल्ट होती है, दे गेट फिल्ड अप विद वाटर, ठीक है, जब आइस पिघल जाएगी तो पानी बन जाएगा, एंड बिकम ब्यूटीफुल लेक्स बन जाती हैं इन द माउंटेन्स के बीच में. द मटीरियल कैरीड, जैसे कि हमारे नैनीताल में लेक है, द मटीरियल जो कैरीड होता है बाई ग्लेशियर सच एज रॉक्स वगैरह वगैरह, बिग और स्मॉल सैंड सिल्ट्स गेट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, दीज डिपॉजिट फॉर्म ग्लेशियल मोरेनास, ध्यान रखना. जब भी पानी पिघल के आता है सर के नीचे तो उनके साथ में जो सिल्ट वगैरह होता है वो मोरेनास बना देता है, ठीक है. अब यहाँ पे बात करते हैं बर्क ऑफ डेजर्ट या फिर सैंड विंड. हैव यू एवर विजिटेड अ डेजर्ट, आपने कभी कहा तो ट्राई टू कलेक्ट. एन एक्टिव एजेंट ऑफ इरोजन, एक एक्टिव एजेंट है हमारा इरोजन और डिपोजिशन का, ध्यान रखना. इन द डेजर्ट इज विंड, डेजर्ट में हमारा एक्टिव एजेंट कौन है, हवा है, विंड है. इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ अ मशरूम, ऐसे बने होते ना, ऐसे ऐसे ऐसे. तो क्या होता है ये, पहले ये बहुत बड़ा ऐसे पत्थर रहा होता है कभी, ठीक है, हवा इसको साइड से टकराती है, इसको खड़ोच के लेके ऐसे ऐसे करते रहते, टकरा टकरा के ये बहुत पतले से आते हैं ऊपर, ये छत रह जाती है सिर्फ, ठीक है. मशरूम कॉमनली कॉल्ड मशरूम रॉक्स, हवाएं विंड्स इरोड द लोअर सेक्शन, उसके लोअर सेक्शन को इरोड करती हैं, ठीक है, ऑफ द रॉक मोर देन द अपर, अपर पार्ट से ज्यादा नीचे वाले को ज्यादा इरोड करती है. व्हेन द विंड ब्लोस इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और जो सैंड होती है यहाँ से मान लो उठा के उधर ले गई, ठीक है. व्हेन इट स्टॉप्स ब्लोइंग द सैंड फॉल्स एंड गेट्स डिपॉजिटेड इन लो हिल, जो निचले इलाके उधर जाके इकट्ठी हो जाती है, लाइक स्ट्रक्चर दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स बन जाते हैं हमारे, ठीक. ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट द विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस तक, ले जा सकती है. व्हेन सच सैंड इज डिपॉजिटेड इन लार्ज एरियाज इट इज कॉल्ड लुईस, ठीक है. ये हमें ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, हमें बस याद रखना है कि सैंड ड्यून्स लुईस इनमें से कौन सा डिपोजिशन से बनता है विंड के और कौन सा हमारा इरोजन से बनता है. लार्ज डिपॉजिट ऑफ लुईस इज फाउंड इन चाइना, ठीक है, ध्यान रखना. लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ लुईस इज फाउंड इन चाइना. चलो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है, इसको कुछ क्वेश्चन वगैरह हम एक बार देख लेते हैं. विच इज नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ द सी वेव्स, सी वेव्स क्या नहीं करती, क्लिफ बनाती हैं इरोजनल, अच्छा इरोड करके कर देती है ना यहाँ पे, तो ये नहीं है, ठीक. तो ये द डिपोजिशनल फीचर ऑफ अ ग्लेशियर, ग्लेशियर का डिपोजिशनल फीचर क्या है, मोरेनास बीच, अरे कहाँ बीच होगा, वो बीच तो उसका है ना ओशन का, फ्लड प्लेन भी नहीं है, रिवर का है तो इसका मोरेनास हो जाएगा. विच इज कॉज बाय द सडन मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, सडन मूवमेंट्स क्या होता है, फ्लड प्लेन नहीं, होल्डिंग नहीं, बोल गया ना आता है यार. मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन रिवर वैलीज, अरे कहाँ भैया, ग्लेशियर में भी नहीं, मोरेनास वगैरह होते हैं, डेजर्ट्स में आता है. ऑक्स वो लेक्स आर फाउंड इन रिवर वैलीज, डेजर्ट्स या फिर ग्लेशियर्स में, तो वो बनती हैं रिवर वैलीज में, ठीक है. एंड आई एम श्योर ये वाला क्वेश्चन हमारे हो गए, बाकी देख लेना उसको बचा नहीं चैप्टर में, ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो गई है. तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, इसमें कोई डाउट हो बताना. एक्चुअली जो ये डिपोजिशन और उसके नाम वगैरह है ना, मैं आपको जब एक चैप्टर आएगा नाइन्थ क्लास में तब बता दूंगा सारे के सारे, अभी आपको बताऊंगा तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है. तब देखते हैं, अभी के लिए इतना ही खत्म करते हैं आज. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू एंड टेक केयर.